ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट टाइप्स तो ये हमारे हो ही गए थे ऑलरेडी। डिफरेंशिएशन हमने कवर किया था और उसके कौन कौन सी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं ये भी हमने कवर किया था। ठीक है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का हमारा ये पार्ट था कि द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज फाउंड टू हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। देयर आर द टू क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस हैं हमारे प्रोडक्ट की, कंज्यूमर गुड्स हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। देयर आर द टू क्लासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, द कंज्यूमर गुड्स एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज यूज्ड और सक्सेस यूजफुल इन प्रोडक्ट पोजिशनिंग। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है प्रोडक्ट पोजिशनिंग में इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको इंडस्ट्रियल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में या फिर आपको इंडस्ट्रियल गुड्स में। द मार्केटर्स हैव ट्रेडिशनली क्लासिफाइड द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी। कंज्यूमर गुड्स होते हैं, आप मार्केट से फ्रूट्स लेके आए हैं, उनका क्या होगा, एक सर्टेन टाइम होता है, आपको डिसाइड करना होगा कि उनकी ड्यूरेबिलिटी, टेंजिबिलिटी और उनके डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ले सको। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर शोज द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। देखिए हमने हमें यहाँ से कवर करना है, आज के क्लास में हमें इतना पार्ट कवर करना है, प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन। सो प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन को हमने नंबर वन पॉइंट में हो गया हमारे पास ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो गुड्स कितने, ठीक है, लंबे समय के लिए चल सकता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी, ठीक है, कि वो गुड्स टेंजिबल कितना है। सो ए हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, और बी आपके पास है ड्यूरेबल गुड्स, एंड देन सी इज योर द सर्विसेज। सो ए इज योर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बी इज योर ड्यूरेबल गुड्स, सी इज योर द सर्विसेज। नाउ द सेकेंड सेकेंड है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं। हमें ये सारे टाइप के कंज्यूमर गुड्स स्टडी करने हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी एंड अनसोल्ड गुड्स। आपको याद होगा कि जब भी हमने प्रोडक्ट का समझाया था, मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप्स के ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। कोई नहीं, हम इसको फिर दोबारे से कवर करेंगे। और इंडस्ट्रियल गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे पास तीन टाइप हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल्स और पार्ट्स है, यानी कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कैपिटल आइटम्स कौन कौन से हैं, एंड देन सप्लाइज एंड बिजनेस सर्विसेज कौन सी हैं। नाउ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, यानी कि कौन से हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल फीचर्स हैं, यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल फीचर्स कौन से होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेंजिबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अपने टेंजिबिलिटी के बेस पे कवर कर रहे हैं। सो टेंजिबल का मतलब क्या हो गया कि जिसे आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो ये सब आपके टेंजिबल्स हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, कौन से स्मेल, कौन सा टेस्ट, कौन सा कैसा सी, लुकिंग वाइज कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी कंज्यूमर हम, यानी कि जो है, अब हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अवर द इनटेंजिबल। इन द केस ऑफ द इनटेंजिबल वी कांट सी, कांट टच, कांट स्मेल। ठीक है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। सो एक्सरसाइज कि जैसे हमारे पास क्या है, आपको मतलब एग्जांपल ऐसे सोच सकते हो कि कौन कौन से टेंजिबल और कौन से इनटेंजिबल क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी कौन सी होती है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी।
यानी कि कौन सा जो हमारा गुड्स है कितने लंबे समय के लिए चलेगा। सो ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है हमारा, ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे कि हमारे पास क्या है, कलर टीवी है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स हमारे कौन से हो गए हैं, कलर टीवी हो गया, इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, लंबे टाइम के लिए चलते हैं। इट मींस कि हम इन्हें एक से ज्यादा बार, हम इन्हें बार बार रिपीट यूज में कर सकते हैं, जैसे कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर। तो ये सारे हमारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो टेंजिबल गुड्स हैं जो कि नॉर्मली हम, यानी कि वो टेंजिबल गुड्स हैं जिन्हें हम एक या फ्यू यूजेस में कंज्यूम्ड करते हैं, यानी कि जिन्हें हमने कि जैसे एक बार इस्तेमाल किया और वो फिर क्या हो गए, खत्म हो गए, या फिर उनकी जो कंजम्पशन होती है उसका एक टाइम पीरियड सेट होगा। कंजम्पशन का हमारे पास एक टाइम लिमिट क्या होती है, सेट होती है। इट मीन्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द टेंजिबल गुड्स, ठीक है, नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और अ फ्यू यूजेस, जो कि एक या एक से ज्यादा यूजेस में नॉर्मली कंज्यूम्ड होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सॉप यानी कि साबुन हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया एंड बिस्किट्स हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट्स हो गए हैं, सॉल्ट है, नमक है, सॉप है, साबुन है, तो हम इन्हें नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। ड्यूरेबल गुड्स हमारे की जैसे वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए हैं, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है हमारे सी सर्विसेज, सर्विस रेट। सर्विस रेट में आपके पास कौन सा हो जाएगा, सर्विसेज हमारी इनटेंजिबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। देन इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल का पार्ट क्या हो गया कि हम उन्हें ऑब्वियसली आप, यानी कि जो सर्विस देने वाला है आप उनसे उनके सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करके लेके आते हो तो आप उस सेलर से उस गुड्स को तो सेपरेट कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज योर इनसेपरेबल वेरिएबल, यानी कि चेंज हो सकती है सर्विसेज। ठीक है, कि आपने भी देखा है कि टीचिंग स्टाइल में भी क्या है कि मैं मान लो एक ही कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ या यही कंसेप्ट मैं दूसरी क्लास में बता रही हूँ, तो मेरा भी कुछ क्या होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल जो मैं शायद दूंगी उस समय माइंड में आएंगे वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी सर्विसेज में होती है, लेकिन वही वेरिएबिलिटी हमें गुड्स में देखने को नहीं मिली। सो पैरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, पैरिशेबल गुड्स हमारे पास होते हैं कि जैसे कि जो कि बहुत मतलब इजीली क्या हो सकते हैं, हमारे उनका जो टाइमिंग लिमिट जो होती है वो कम भी होती है। तो ये हमारे पास इस साइड के हमारे क्या है, इनमें जितने भी सारे फीचर्स होते हैं उन्हें हम सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एयरलाइन एंड बैंकिंग सर्विसेज की, जैसे हमारे पास ये एयरलाइन और जो बैंकिंग की जो मतलब सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो हम ये मैंने आपको ड्यूरेबल गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, सर्विसेज का एग्जाम्पल बता दिया। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर गुड्स क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अब जो अभी अभी आपको बताया ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, कंज्यूमर गुड्स क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में कंज्यूमर गुड्स, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, ठीक है, ये कन्वेंस, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट, ये सारे कंज्यूमर गुड्स के, ठीक है, पार्ट्स हैं। सो कंज्यूमर गुड्स क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द यूज, यूज के बेसिस पे नंबर वन है कन्वीनियंस गुड्स कौन सा है। दीज आर द गुड्स दैट कंज्यूमर यूजुअली परचेजेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, देखो कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या हो गया, आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, आप इमीडिएटली और बहुत बार रिपीटेटिव यूज में इन गुड्स को परचेज कर सकते हो। सो दीज आर गुड्स दैट कंज्यूमर यूजुअली परचेजेस
फ्रिक्वेंटली, इमिडिएटली एंड विद ए मिनिमम ऑफ एफर्ट्स, यानी कि आपको कम एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आप परचेज करोगे, इमिडिएटली आप इन्हें परचेज करोगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास न्यूज़पेपर है, सॉप्स हैं, ठीक है। अगर आपने साबुन ली है तो वो आपने उनको जब तक यूज करोगे वो चलेंगी, और आपको अगर खरीद के भी लेके आना है कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। तो नंबर वन हमारे पास कन्वीनियंस गुड्स हैं। आप एक सेलर हो, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कोई भी अपने प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट गुड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। सो कन्वीनियंस गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। कन्वीनियंस गुड्स को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो नंबर वन इज योर द स्टेपल गुड्स, यानी कि स्टेपल गुड्स कौन से होते हैं। स्टेपल गुड्स आपके हैं कंज्यूमर परचेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। स्टेपल यानी स्टेबल, सॉरी, स्टेबल गुड्स का मतलब जो कंज्यूमर्स रेगुलरली परचेज करता ही है, जैसे कि मिल्क, आप दूध हर दिन लेके आते हो, ठीक है, हर दिन हम उसको लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, आपने क्या सब्जी लेके आ रहे हो, हर दिन आप वेजिटेबल्स लेके आ रहे हो, तो ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए एक स्टेबल गुड्स है। और इनको लेने के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। अगर आपको मालूम है कि हमारे एरिया में ही वो कहाँ होंगे, तो आप उनको इजीली जाके ले आओगे। सो नंबर वन इज योर द स्टेबल गुड्स। सेकेंड इज योर द इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स कौन से होते हैं कि जो कि बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी एफर्ट्स के इम्पल्सिव, ये कहते हैं ना कि मतलब सामने जो बिहेवियर है वो काफी क्या है, इम्पल्सिव बिहेवियर है। सो इम्पल्स गुड्स हैं कंज्यूमर परचेज विदाउट एनी प्लानिंग और यानी कि सर्च एफर्ट्स, बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी सर्च एफर्ट्स के कंज्यूमर उन्हें परचेज करता है। तो यानी स्टेबल गुड्स में हम रेगुलर बेसिस के ऊपर है, कंज्यूमर ने परचेज किया। इम्पल्स गुड्स में आपने बिल्कुल सोचा नहीं, आपने प्लानिंग नहीं की एफर्ट्स में, ठीक है, कोई भी, और कंज्यूमर ने क्या क्या उन्हें परचेज किया। सो ये हमारे पास हो गए इम्पल्स गुड्स। फिर हमारे पास थर्ड कौन से होते हैं, इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स का मतलब क्या है, आपको क्या है, इजीली हमारे आसपास हमें मिल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते, ठीक है। हम उन्हें जब भी हमें नीड होती है या अर्जेंट नीड है, तभी कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करता है। यानी कि आपको क्या हो गया, फीवर हो गया, तो आपने, ठीक है, कोई मेडिसिन लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई नीड है, अर्जेंट नीड है, आप डेली बेसिस पे लोगे नहीं, तो फिर कंज्यूमर परचेज करेगा उन्हें ऑन द अर्जेंट नीड पे कंज्यूमर परचेज करता है। सो हमारे पास कन्वीनियंस गुड्स में फर्दर यानी कि तीन टाइप के क्या है, क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर गुड्स में, दैट इज द स्टेबल गुड्स है, ठीक है, स्टेबल गुड्स है, इम्पल्स गुड्स है, एंड देन इमरजेंसी गुड्स है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं। शॉपिंग गुड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या है, मेन इसका नाम ही सजेस्ट करता है शॉपिंग, यानी दीज आर द गुड्स दैट द कंज्यूमर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड परचेज करेक्टरिस्टिकली कंपेयर ऑन सच बेसिस, यानी कि आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको शॉपिंग गुड्स में एफर्ट्स, क्योंकि कन्वीनियंस गुड्स से ज्यादा आपको शॉपिंग गुड्स में एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप उसमें डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी क्वालिटी का, कौन सी सुटेबिलिटी के हिसाब से मुझे गुड्स को लेना है। एग्जाम्पल, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस जो भी हो गए हैं, ठीक है, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस, तो यानी कि दीज आर गुड्स दैट द कस्टमर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन परचेज, ठीक है, बेस्ड ऑन द, ठीक है, सुटेबिलिटी एंड द क्वालिटी। आपको इसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और ये जो भी इनके जो प्राइस होते हैं कन्वीनियंस गुड्स से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फर्नीचर लेके आना है,
तो आपने देखा कि मुझे टेबल लेके आनी है, तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस गुड्स से ज्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस सेकंड हमारे पास, थर्ड क्या है, स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं। स्पेशलिटी गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जिनके पास यूनिक फीचर्स होते हैं, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है। क्या मतलब है स्पेशलिटी में, कि जैसे आपको कार परचेज करनी है, आप इसमें ब्रांड में देखोगे इसमें कोई यूनिक फीचर्स हैं, इसमें आपके पास मेन है स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि मुझे कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाने, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, आपने अगर ठीक है कोई भी अपने डेली यूज का सामान लेके आ रहे हो, उसमें आपको इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन स्पेशलिटी गुड्स में, कि आपने जैसे कार परचेज की है, तो आपको इतना स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स लगाना पड़ता है। सो दीज आर द गुड्स जिनके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जो पेपर में आते हैं। फिर आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करनी है कि ये सारे अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और ये उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। नाउ द डी, डी हमारे पास कौन से हैं, डी है अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं। अनसॉर्ट गुड्स वो गुड्स हैं, दीज आर द गुड्स दैट कंज्यूमर डज नॉट नो अबाउट और डज नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग। क्या होता है कभी कभी कि जैसे कि आपके पास, हम यानी कि हमने कुछ टाइम पहले तक कभी नहीं डिसाइड किया था इंश्योरेंस, कि हम इंश्योरेंस भी करवाएंगे। सो दीज आर द गुड्स, वो ऐसे गुड्स हैं कि ना तो कंज्यूमर कभी इन चीजों के बारे में डिसाइड करता है, सोचता है, ठीक है, पर फिर भी ये कुछ हमारे गुड्स या सर्विसेज ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे हमारी लाइफ में एमर्ज हो रही हैं। सो दीज आर द गुड्स द कंज्यूमर डज नॉट नो अबाउट एंड डज नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग। सो प्लीज रिमेम्बर कि डज नॉट नॉर्मली थिंक ऑफ बाइंग, देयर आर द लिस्ट ऑफ द सर्टेन गुड्स, ठीक है, जो कि कंज्यूमर नहीं मतलब उनको बाय करते, क्योंकि उनको उनकी कोई नीड नहीं होती है, लेकिन वो एक एज अ एमर्ज हुए हैं कि यस ये अनसोल्ड गुड्स भी हमारी क्या है, नीड है। दी क्लासिक एग्जांपल ऑफ नोन, ठीक है, क्लासिक एग्जांपल है हमारा नोन बट अनसोल्ड गुड्स का इज लाइफ इंश्योरेंस। तो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स का, ठीक है, और ये नोन और अनसोल्ड गुड्स का क्लासिक एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर, अब तक के में कोई डाउट है किसी को पूछ लीजिए। ठीक है, आई होप कोई डाउट तो नहीं है इतने में, कि हमारे हमने ये कवर किया, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इजी था। कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, कंज्यूमर गुड्स में कन्वीनियंस गुड्स हैं, कन्वीनियंस गुड्स में भी तीन टाइप्स हैं, स्टेबल गुड्स, इम्पल्स गुड्स, इमरजेंसी गुड्स। नेक्स्ट इज अब शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स। नेक्स्ट इज अवर द इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी है, इंडस्ट्रियल गुड्स में कि जैसे आपने खुद से नाम रेफर किया, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस है। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हम अपने कंजम्पशंस के लिए लेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स हम अपने कंजम्पशंस के लिए नहीं लेते हैं। वो हम क्या करते हैं, उन मटेरियल से या कोई भी उन गुड्स से हम दूसरे फाइनल गुड्स को, दूसरे गुड्स को जनरेट करने में वो हेल्प करते हैं, दूसरे गुड्स को बनाने में वो हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स क्लासिफिकेशन। सो ए पार्ट में हो गया आपके पास मटेरियल एंड पार्ट्स, दीज आर गुड्स दैट एंटर द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट कंप्लीटली। ठीक है, ये वो गुड्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट में कंप्लीटली एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, आप कच्चा माल लेके आ रहे हैं, वो भी तो एक गुड्स है। क्या आप उसे कंज्यूम करोगे, नहीं, हम उसे कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करेंगे, हम उन्हें फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। सो दे फॉल इनटू द टू
क्लासेस में ये फॉल होते हैं, दैट इज द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट, यानी कि रॉ मटेरियल में और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट में। बी, बी में क्या है मेरे पास, कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग गुड्स। ध्यान रखना कैपिटल आइटम्स की, जैसे आपके पास कोई भी इंस्टॉल करते हो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं। आप में क्या है कि ये अगर आपने मान लीजिए ये एक्टिविटी को नहीं करोगे या इन गुड्स को आइटम्स को आप नहीं लगाते हो, तो उससे जो उसकी मैनेजिंग है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मैनेजिंग है, उसमें डिफरेंस, उसमें फर्क पड़ता है। सो कैपिटल आइटम्स, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, ये लॉन्ग लास्टिंग गुड्स हैं दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग एंड और मैनेजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, बनाते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। देखो रॉ मटेरियल अलग है, मान लीजिए कोई ना कोई बोल्ट आना है, कोई ना कोई ठीक है पॉइंट यानी कि कुछ भी जॉइंट्स आना है, सो वो सब क्या करेंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग गुड्स हैं दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। सो कैपिटल आइटम, दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग गुड्स, तो ये हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, ठीक है। सो कैपिटल आइटम, दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग गुड्स दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दे इंक्लूड टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से, इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स। ध्यान रखना कि जैसे आपको ऐसे स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें नीड है, अगर वो नीड नहीं होगी, कि जैसे हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है, मशीन्स को रन करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हमें उनके टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कैपिटल आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, दैट इज द सप्लाईज एंड द बिजनेस सर्विसेज, की सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज कौन सी, दैट इज द, दीज आर द शॉर्ट लिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो शॉर्ट लिस्टिंग गुड्स सर्विसेज हैं दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश, जो कि फिनिश गुड्स को मैनेज करते हैं और जो कि फिनिश गुड्स को डेवलप करते हैं। ध्यान रखना फैसिलिटेट, जो कि हेल्प करते हैं, वो सप्लाईज और वो ही बिजनेस सर्विसेज। बताइए इतना कवर हुआ, क्लियर हो गया इतना पार्ट, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब बस इतना पार्ट हम ये पार्ट और कवर कर लेते हैं, दैट इज द डिसीजंस व्हिच आर यूजफुल फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से डिसीजंस जो हैं वो यूजफुल हैं, ठीक है। हमें प्रोडक्ट को मैनेज करना है, तो ये तो वही है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं, दैट इज द सर्च फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कि जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कहाँ पर क्या है, ज्यादा है, अच्छे हैं, हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो हम तभी हमें उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए, ठीक है, मेरा की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है कॉम्पिटिशन से कम है, तो ऑब्वियसली मुझे उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा मिलेगा, मैंने प्राइस कम रख दिया और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की। सो डिसीजन जो कि प्रोडक्ट्स को मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, सो द सर्च फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एस्केप फ्रॉम प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिशन often centers on the value, creating supplementary services that surrounds this core and add differentiation. ठीक है, creating supplementary services, साथ साथ और कौन कौन सी supplementary services हैं उन्हें create करना, ठीक है, जो कि main जो उसकी core activities हैं उनको और enhance करना और differentiation कि हम उनमें किन चीजों में different हैं उन्हें add on करना। तो managers should be aware of the importance of selecting the right mix, कि हमें कौन से, ठीक है,
कौन से हमें यानी कि जो फीचर्स को आपस में करना है, आप एक मार्केटर से मैनेजर्स को सप्लीमेंट्री सर्विसेज को सही मिक्स में क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो कस्टमर रिसर्च, इवेल्युएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग, फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो यही सारे हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है। हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्टर्स जो हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना है। नंबर वन इज द नेचर ऑफ द मार्केट, मार्केट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट से कंपटीशन कैसे नेचर के हैं, नेचर ऑफ द मार्केट, मार्केट का नेचर कैसा है, कंपटीशन, ठीक है। सेकेंड, नेचर ऑफ द असिस्टेंस नीडेड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के द्वारा कौन कौन से असिस्टेंट्स हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंसिंग, स्टाफिंग, तो ऑब्वियसली मार्केट का नेचर भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन भी है, और प्रोडक्ट के द्वारा कौन कौन से असिस्टेंट्स हैं जो हैं वो जरूरी हैं। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉडर नेचर, ठीक है। ब्रॉडर नेचर की कहने का मतलब है कि हमें और कौन कौन सी अपने प्रोडक्ट्स या मार्केट्स के अकॉर्डिंग कोई और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी, कि जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट लाइन, बिजनेस और हॉल कॉर्पोरेशन को जो अफेक्ट करती है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, और तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।